ये देखिए व्यूवर्स, कि मेरे पास 2.5 लीटर मिल्क था, 2.5 किलो दूध था, और इसमें से अभी मैंने निकाला चाय के लिए, तो ये देखें ये हो गया जनाब मेरा ख़राब। तो जब भी आपका दूध ख़राब हो तो हमने क्या करना है, फेंकना आपने कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं फेंकना। देखिए, अगर आपको गुलाब जामुन या रसमलाई वगैरह बनानी है तो आप उससे ये देखें, इसका ये हल्का सा आप उसको गर्म करेंगे तो उसका छेना अलग हो जाएगा, ये छेना है नीचे, और उसका पानी अलग हो गया है, दूध का ये छेना इसको कहते हैं। ये पानी हम इसको ड्रेन करके, तो इससे हम चाहे तो गुलाब जामुन इस छेने से बना सकते हैं, रसमलाई बन सकती है, और क्वार्टर चीज़ भी इसी से बनती है। तो मुझे अभी यहाँ पे इनमें से कुछ नहीं बनाना क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास हैं, और अभी इसको मैं कभी भी बॉयल करने के लिए रख लूँगी। फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये फटा हुआ ख़राब दूध भी हो जाए, अगर आपका गलती से भी हो जाए तो आपने फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए इसको मैं चढ़ा देती हूँ चूल्हे पे, बिल्कुल स्लो पे। इससे मैं जनाब बनाऊँगी खोया, क्योंकि मुझे आगे मटनजन बनाना है, ज़रदा या मटनजन बनाना है, उसमें हम खोया यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे खोया चाहिए, तो चलिए इसको कर देते हैं, इसको चूल्हे इसको चढ़ा देते हैं अपने चूल्हे पर, और फ्लेम ऑन कर देते हैं जी। बिल्कुल इसको स्लो पे हम रख लेंगे। इसको जो हमने आँच बिल्कुल स्लो कर लेनी है स्लो पे, और साथ साथ में इसको मिक्स करती रहूँगी। बिल्कुल ये इतना अच्छा खोया बन सकता है, तो हम कर सकते हैं यूज़ इसको मटनजन वगैरह में भी, और इसको जो है ऐसे चीनी डाल के हम खोया जो खा सकते हैं, इसे खा भी सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल के, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ बनती है। तो अभी देखें, अब ये हो जाए खोया हमारा बनेगा, इसमें तकरीबन 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो ये देखिए, तो मेरा गलती से छत में ये ख़राब हो गया था, ये देखें ये इसमें अपना पानी छोड़ दिया है, और छेना अलग हो गया है इसका, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी। ये देखें, अब ये इस स्टेज तक आ गए, लेकिन अभी और थोड़ा सा सूखेगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर एंड सम नट्स। देखिए, मैं कंटिन्यूसली इसको घुमाती जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, अभी मैं इसको थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि ये ड्राई होने वाला है, तो मैं इसको चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अब देखिए, इस स्टेज पे जो है मैं डालूँगी इसमें शुगर, इस स्टेज पे डालूँगी शुगर और थोड़ी सी नट्स, थोड़ी सी अब इसको मैं थोड़ा सा ये मैश कर दूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, मैं क्लोज भी करके दिखा रही हूँ, देखिए अच्छी है। इस स्टेज पे हमें इसको थोड़ा सा यूँ मैश करना है, और एक देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, इस तरह खाने को। ये इलायची भी मेरे पहले दूध में डले हुए थे, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की और खोए की, ये खाया खाने वाला खोना खोया मैं बना रही हूँ, इसको हम इंजॉय करेंगे। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ नट्स, हाफ में डाल दूँगी, हाफ ऊपर मैं इसकी डेकोरेशन के लिए रखूँगी, ये देखिए जी, और साथ ही हाफ कप चीनी का, आधा कप काफ़ी है बस, ये चला गया, और बस जी, और बस क्या है, और हमारा काम हो गया यहाँ पे पूरा। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, जस्ट बाइट जो आपने एंड तक देखी है, और इसका फाइनल लुक आपने ज़रूर देखना है, मिस नहीं करना। चीनी को हम मेल्ट करेंगे, बस 1 मिनट ही लगेगा, 1 मिनट लगेगा जनाब इसको मेल्ट होने में। ठीक है, जरा लुक देखें आप, माशाल्लाह
माशाल्लाह ये हो गया कंप्लीट जनाब, और हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये आराम से हम चलें जी, नाउ इट्स टाइम टू टेक आउट द डिश। एक और इसमें चीज़ जाएगी जनाब, केवड़ा एसेंस है, वनीला भी डाल सकते हैं। केवड़े की किसी भी मीठे में जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन वो आप जब चावलों वाली खीर बनाते हैं उसमें डालें तो उसमें भी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है केवड़ा की। चलिए जनाब ये टाइम हो गया डिश आउट करने का, कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी चीज़ साया नहीं करनी चाहिए, सही से आप निकाल दें। इसका जूस देखें कितना जूसी बना है माशाल्लाह, ऐसी लुक देखें, यम। इसकी करेंगे थोड़ी सी ऊपर से हम डेकोरेशन। से थोड़े से इस तरह मुझे आप चाहे तो इसमें चांदी का वर्क सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चांदी का वर्क नहीं डाल रही क्योंकि हमें नहीं पसंद चांदी का वर्क। ऐसे देखें कितना अच्छा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, और ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और जब भी आपका दूध ख़राब हो आपने फेंकना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।